नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ रौनिक। अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वर्क करिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो मेरा शेयर है वो शेयर है बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, वो है पंजाब नेशनल बैंक का शेयर है। तो देखते हैं पंजाब नेशनल शेयर के अंदर क्या ऐसा आया है कि उसे बाय करना चाहिए, ये सही समय बाय करने का। तो दोस्तों इसका क्वार्टरली ये देखिए, दोस्तों मैं बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर जा चुका हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है। क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर पीएनबी रिपोर्टेड Q4 पैथ एट RS यानी कि 586 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए, पीएनबी बैंक को 586 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट किसके अगेंस्ट है ये, क्योंकि पहले इसने लास्ट क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट दिए थे 2020 के फाइनेंशियल ईयर के, उसमें इसने 697.20 करोड़ का लॉस दिखाया था। और इस क्वार्टर रिजल्ट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2001 के अंदर इसने 586.33 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। एक तो ये प्लस बैंकिंग इस सेक्टर के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसको लेके शेयर कल अप ट्रेंड की तरफ भागेगा। मार्केट आज ऑफ है। आज की डेट है 5 जून 2021, टाइम हो रहा है दिन के 1:30 बज रहा है। और चलिए मैं अब देख लेता है पीएनबी बैंक का चार्ट क्या कहता है और पीएनबी बैंक का चार्ट किस ट्रेंड की तरफ भाग रहा है। तो ये मैंने पीएनबी बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है, यहाँ पे देखते हैं हम। तो मैं इसका डेली चार्ट पे जाता हूँ। डेली चार्ट पे भी इसका अप ट्रेंड की तरफ भाग रहा है। देखिए दोस्तों, ये वॉल्यूम देखिए, इसके कितने हाईली वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। और इसका MACD भी अप ट्रेंड की तरफ है अभी, और RSI थोड़ा सा डाउनफॉल कर रहा है, हमारी अप ट्रेंड की तरफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं डेली चार्ट पे भी, देखिए अप ट्रेंड कर रहा है और ये 43 पे सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये 43 पे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 43 पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे देखिए ये 43 पे ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ये 43 पे सपोर्ट ले रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कैसे। ये देखिए, इधर देखिए आप, ये 43 पे ये सपोर्ट ले रहा था, ये 43 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ देखिए ये इससे सपोर्ट ले रहा है और ये इसने हाई मारेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 43 पे। तो अब इसका हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे कोई रिवर्सल या कोई ऐसा मूव तो नहीं रहा जिससे कि हमें और पॉजिटिव व्यूज दिख जाए चार्ट के अकॉर्डिंग। न्यूज़ तो पॉजिटिव है बैंक के अंदर, मैं चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ पॉजिटिव आ जाए हमें देखने को। तो ये मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। तो वीकली चार्ट पे देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना हाईली वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है वीकली के अंदर भी। और ये वीकली पे देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस करेगा, एवरेज मूव को क्रॉस करेगा, ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, ये ब्रेकआउट देने को तैयार है। जैसे ही ये ब्रेकआउट टूटेगा ये अपने 52 हाई पे पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये 52 हाई पे पहुंच, ये देखिए 43.10 रुपीस पे क्लोज करता है मार्केट को फ्राइडे के। और अभी देखिए जैसे ही इसको क्लोज करेगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ है, एक तो बैंक प्रॉफिट में आया है लॉस से, और ये देखिए वीकली चार्ट पे भी ये अपना एवरेज मूव पे ये देखिए क्रॉस करने को तैयार बैठा हुआ है, ब्रेकआउट देने को तैयारी पे बैठा हुआ है। तो ये गैप अप ओपनिंग होगी दोस्तों मार्केट में मंडे को, और गैप अप ओपनिंग के साथ साथ ये अपने 52 हाई को भी ब्रेक करेगा। मेरे शॉर्ट टर्म के मैं इसका वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। तो ये शॉर्ट टर्म में आपको देगा, ये शॉर्ट टर्म में मेरे 46 का लेवल है शॉर्ट टर्म के अंदर, ये 1 वीक के अंदर 46 आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा इसमें लंबा जाते हैं तो मेरा दूसरा जो वो होगा 60 रुपीज़ का दूसरा टारगेट। आई होप मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके पसंद आई हो, अगर आपकी यूज़फुल हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।